जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये कौम की है जिंदगी तो कौम पे लुटाए जा। आपको पता है आजकल संसार में बीबियों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जिन्होंने हमें अभी ट्रेन के अंदर अपने खून से लिख करके ये हमें भेंट किया है। मतलब क्योंकि मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि एक बेटा चला गया तो क्या हो गया, मैं भी आपका बेटा हूँ। यही वर्डिंग सुनते ही वो मेरे पास मिलने के लिए आए थे और आज भी बातचीत जारी है। सारा हिंद नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना नायक दीपचंद, 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, आपके इस ब्लॉक में स्वागत है। साथियों आज कुछ आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, कि किस वातावरण में रहता हूँ, और कुछ चीज़ें आपको बताई जाएगी, कुछ दिखाई जाएगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ में। आइए साथियों, अभी हम चल रहे हैं अपने राष्ट्र की आन बान और शान, जो हर मजहब हर जाति पंथवाद से बढ़कर के हम नमन करते हैं, जिसके अंदर कोई सीमाएं नहीं है, कुछ नहीं है, वो है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा। तो पहले वहाँ पर अभी चल रहे हैं तो आपको ये चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए, आप पहले नीचे दिखाइए, ये हमने फूल लगाए हुए हैं यहाँ पर, और ये हमारा देखिए ऊपर राष्ट्र की आन बान और शान। जब यहाँ पर हमने मकान बनाने की सोची थी, उससे पहले दिल में यही तमन्ना थी कि जब भी हम लोग सोएं इस तिरंगे को नमन करते हुए सोएं, और जब भी उठें इस तिरंगे को देख करके उठें। तो मैंने अपने घर बनाने से पहले इस तिरंगे की स्थापना की, उसके बाद में यहाँ से शुरुआत हुई। और इसका जो उद्घाटन है, हमारी एक वीर नारी जो जयपुर में, जिन्होंने अपनी जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने जो पैसा मिला था वो स्मारक में लगा दिया था, और उन्होंने स्मारक बना करके तिरंगा लहराया, राजवंती जी जो जयपुर में रहती हैं। हमने एक ऐसी वीर नारी के हाथों से इनका ओपनिंग करवाया। यहाँ पर जो भी हमारा राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है, 16 दिसंबर है, या जितने भी महापुरुषों की जयंती रहती है, ये देखिए इस गार्डन के अंदर हम लोग मनाते हैं। ये बैठने के लिए टेबल लगे हुए हैं यहाँ पर, ये जो बना हुआ है देखिए, यहाँ पर रात को लाइटिंग जलती है, और इसके अंदर आप छोटी मोटी पार्टी बर्थडे का, और इधर ही हमारा पूरा बैलून वगैरह लगता है ये। और अभी यहाँ से चलते चलते ये हमारा घर आ गया, जो भारत भवन के नाम से हमने घर बनाया हुआ है, जिसका नाम ही भारत भवन रखा हुआ है। क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और मेरी हमेशा से ही एक इच्छा थी कि हर कदम, जिस तरह हम लोग वर्दी पहनते हैं, सैनिक इस राष्ट्र को समर्पित रहता है, उसी तरह आज भी हर कदम इस राष्ट्र के लिए है। और आइए मैं आपको कुछ अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ। अभी ये कुछ यहाँ पर पेड़ पौधे, जो मेरी वाइफ का शौक है, हम पहले भी जिस क्वार्टर में रहते थे वहाँ पर मेरी वाइफ ने फलदार पेड़ लगाए 10, और अभी भी इसमें ये देखिए, ये केसर का पेड़ है, यस केसर, केसर आम, ये केसर आम है ये। और ये देखिए आप, ये है जो नागपुर का संतरा, ये नींबू का पेड़ है, ये अनार है, ये देखिए ये अनार है, और ये जो छोटा आम का पेड़ है, ये साल में 2 बार आम लगते हैं इसको, ये जो छोटा पेड़ है। तो ये मेरी बीवी को बहुत शौक है, इन चीज़ों का देखभाल मैं करता हूँ, और ये आप जैसे भाइयों के लिए, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि ऊंचा है, मगर ये अतिथि देव भाव आप जैसे भाइयों के लिए मैंने झूला लगा के रखा हुआ है। इस टेबल पर बैठ करके आप यहाँ हरियाली का नज़ारा ले सकते हो, बैठ करके अर्ली मॉर्निंग सूर्य किरणें आती हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं, और एक सुकून की आपको अनुभव होगा। तो मैं हमारे हॉल में लेके चलता हूँ, अंदर से आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। और हॉल के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो महापुरुष हैं, एक ही
आदमी को नेताजी लगा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं की फ़ोटो को देख करके मैंने हिंदुस्तान की वर्दी को पहना था। और ये मेरे आइकॉन है, राष्ट्र के तो आइकॉन है ही हैं। ये देखिए अमर जवान, ये मिस्टर कटारिया जी हैं जिन्होंने हमें अभी ट्रेन के अंदर अपने खून से लिख करके ये हमें भेंट किया है। मतलब ये हमारी भारत माता है। और कुछ मेमोरीज हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा मेमोरीज मैं आपको एक दिखाता हूँ। अभी मैं कारगिल विजय दिवस पर गया था, तो 20वीं वर्षगांठ पर, तो ये मेमेंटो हमारे उस युद्ध का दर्शाता है। और ये मैं कारगिल विजय दिवस जो 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ये देखिए 13 जैक राइफल जो हमने सपोर्टिंग किया था उनका फ़ोटो है। ये हमारे वार मेमोरियल का फ़ोटो देखिए, ऑपरेशन विजय, ये कारगिल युद्ध की जो मेमोरी है पूरा इसके अंदर इतिहास दिया हुआ है। हमारे लव वर्ड हैं, छोड़ते हैं और खुला छोड़ने के बाद में इनको अंदर अपने आप आ जाते हैं ये, तो ये चहल पहल करते हैं तो अच्छा रहता है। और ये आपने देख लिया, और अभी मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए ये आदर्श सैनिक फाउंडेशन, जो आदर्श बोले तो आदर्श मेरे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनको ही देख करके हमने ये आदर्श सैनिक फाउंडेशन का जो स्थापना किया, जिससे इस संस्था के माध्यम से मैं मेरे जैसे सैनिकों को, वीरांगनाओं को, उनकी मैं सहायता करता हूँ। अभी हमने एक स्मारक बनवाई थी, पहले भी एक 60 फीट का झंडा लगवाया था, दूसरी स्मारक अभी रेडी है जिसका मैं अभी आने वाले वीडियो में आपको दिखा भी देंगे कि कौन सी तारीख को हम विभाजन कर रहे हैं। ये महान हस्तियां हैं। ये मेरा दोस्त मुकेश कुमार, जो कारगिल लड़ाई के अंदर मेरे हाथों में ही उन्होंने आखिरी सांस ली थी, यहाँ से गर्दन उड़ गई थी, ये हमारे आदरणीय उनकी मैडम जी हैं। ये हमारे नायक अवतार सिंह सर थे जो आतंकवादियों के मुठभेड़ के अंदर शहीद हो गए थे। और ये हमारे सूबेदार मेजर मदनलाल सिंह साहब, ये हमारी मैटी बम्बार्डियर्स की टीम है, ये हमारे कर्नल साहब हैं, और ये हमारी पूरी टीम था जिसका एक लोगो था मान या मृत्यु, ग्लोरी और डेथ। तो ये हमारा अभी मैं ये हॉल आपने देख लिया है, अभी मैं बहुत एक बिग चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको मैं, जिसको आपने कहीं म्यूजियमों में देखा होगा मगर किसी सैनिक के घर पर नहीं देखा होगा। तो आइए साथियों, ये मैं दिखाता हूँ आपको। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये कौम की है जिंदगी तो कौम पे लुटाए जा। ये है साथियों हमारे 21 परमवीर योद्धा जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए बहुत कुछ बलिदान दिए हैं। तो इसमें से मैं आपको ये बताता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान की जो आर्मी के अंदर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड रहता है परमवीर चक्र, तो ये परमवीर वॉल है। मैंने अपने घर के ऊपर इसका स्थापना किया था जब घर का ओपनिंग किया, और इसको ओपनिंग करने के लिए हमारे सूरवीर कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी और माताजी आए थे। इनको ओपनिंग करने के लिए उनके माताजी पिताजी को बुलाया था, क्योंकि मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि एक बेटा चला गया तो क्या हो गया, मैं भी आपका बेटा हूँ। यही वर्डिंग सुनते ही वो मेरे पास मिलने के लिए आए थे, और आज भी बातचीत जारी है। साथियों ये 4 महापुरुष थे, 2 आदमी शहीद हो गए, 2 जिंदा है, संजय सिंह और कैप्टन योगेंद्र यादव। ये कारगिल लड़ाई के अंदर मेरे साथी थे 4 आदमी, और एक बाना सिंह साहब हैं जो ये सरदार जी, आज 3 ही आदमी जिंदा हैं इस 21 आदमियों में से। तो आप ये है हमारा धर्मस्थल, सभी आदमियों के लिए किया जाता है, हम तो सैनिक हैं। ये देखिए राम मंदिर भले ना बनाओ, राम दरबार हमने यहाँ पर लगा दिया गया है। और आइए मैं आपको, जहाँ पर आप मेरे देखते रहते हो, किचन जिसके अंदर आपने खाना पीना, जो कई बंदे पूछते रहते हैं कि भाई खाना कहाँ बनाते हो, तो ये है अपना वो पूरा किचन के अंदर जहाँ पर मैं दिन रात लगा रहता हूँ आप लोगों के लिए व्यंजन बनाने के लिए। और आपको कौन सा खाना पसंद लगता है वो ज़रूर बताएं हमारे को कभी न कभी। और आइए मैं आपको और दिखाता हूँ, ये बाजू में ही इसके मेरा रूम है, आइए ये है हमारा रूम, ये मेरा बेड है छोटा सा जो मैंने अपने हाइट के मुताबिक बना के रखा हुआ है। और ये चीज़ें आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखाने देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज़ें हैं, ये कुछ यादें लगाई हुई हैं जब मैं हमारे रेजिमेंट के खुफिया विभाग में था, उस टाइम की कुछ यादें हैं। शंकराचार्य मंदिर है जिस तरह देखो ये पूजा मैं कर रहा हूँ, ये 1998 की बात है जब हम श्रीनगर के अंदर थे वहाँ पर। ये आपने बर्फबारी के फ़ोटो देख लीजिए, कुछ यादें हैं
ये डल झील के हैं, ये देखिए आप डल झील के अंदर, ये डल झील में है। तो ये कुछ यादें हैं वहाँ की, श्रीनगर की। ये जो आप देख ही रहे हो, ये भगवान शंकराचार्य मंदिर है वहाँ पर उधर ऊपर। और आइए मैं अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी घर के फ्रंट में आ गए हैं, पहले जो बैक साइड थी, अभी यहाँ से एक्चुअली में फ्रंट है, यहाँ पर एंट्री होती है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी आप लोगों ने नए साल पर देखा भी होगा, ये देखिए ये मेरे हथियार अस्त्र और शस्त्र आजकल। तो इसी के अंदर मैं गाजर का हलवा और खोआ बनाता रहता हूँ। बैठने की भी जगह है यहाँ पर, शाम के टाइम बैठते हैं, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैं पेड़ दिखाता हूँ, इसके ऊपर एक अलग से, अगर पक्के होंगे तो ये देखिए, ये एक बार मैं ऊपर करता हूँ, एक बार ऊपर चढ़ने के बाद में ये देखिए, अभी आपको ये देखो आप, ये अपना खुद के लगाए हुए, ये बल्कि ख़राब होने लग गए थे, ये देखो। और उसका पपीता, ये थोड़ा सा इसका पेड़ का दाग लग गया है, मगर ख़राब नहीं है। लेकिन देखिए नेचुरल टेस्ट आएगा इसके अंदर। आप ऐसी चीज़ें खाओगे ना, जिस तरह आप, हम मैं सब्ज़ी लेने के जाता हूँ तो सब्ज़ी वाले में कीड़े वाली सब्ज़ी लेता हूँ, क्योंकि कीड़ा उसी में लगता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ विटामिन होगा। तो इसी तरह ये चीज़ देखिए, भले ही आपको ये टेढ़ी मेढ़ी लगे, मगर इसके अंदर जो खाओगे ना, वो इसका अलग से नज़ारा, अलग टेस्ट है। और ये दूसरा बात, ये अपनी बीवी के हाथ का लगाया हुआ पेड़ है, तो आपको पता है आजकल संसार में बीवियों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो आप भी इंजॉय करिए, और ये वीडियो कैसी लगी, और अगली बार ज़रूर बताइए आपको कौन सा खाना पसंद है, जो किचन आपको मैंने दिखाया था, अगली बार उसी खाने के ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा आज का ये हमारा जो ब्लॉग, और आगे भी अगले ब्लॉग में कुछ न कुछ नई कहानी लेकर के फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।